हाय दोस्तों, जिंदगी परेशान है फिर भी जीने में आसान है। इस पहले से श्रृंखला में हम पहुंच चुके पांगड़ी और लास्ट के हमारे व्लॉग में हमने आपको दिखाया था पांगड़ी का पूरा जंगल और तालाब, और अब हम आपको दिखा रहे पांगड़ी का पूरा यार मंदिर। हे गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अभी पांगड़ी के पास में। धानु टोला नाम का एक गांव है, वहां पर एक मंदिर है शिव जी का। और थोड़ा आगे आइए तो मैं आपको दिखा दूं कि ये मंदिर श्री भूपति शिव मंदिर देवस्थान है, जो कि एक पब्लिक ट्रस्ट है गोरेगांव तहसील का, और उसके थ्रू ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रही है क्योंकि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मिट गई है। और आप साइड में देखेंगे तो साइड में भी एक हरिभक्त परायण कोई थे महाराज जी, उनका ये उनके ट्रस्ट के थ्रू ये मंदिर बनाया गया है। तो ये मंदिर भी है। थोड़ा आगे आप देखेंगे तो बिरसा मुंडा जी की मूर्त भी है वहाँ पर। और ये प्लेस जो है गाइज पांगड़ी, आपको पांगड़ी पहुंचना कैसे है, तो आप जैसे गोंदिया जिले में पांगड़ी आता है तो आप गोंदिया अगर पहुंच जाते हैं तो गोंदिया से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी कि पांगड़ी कैसे पहुंचना है। जो सदगुरु श्री श्यामदास महाराज जी का जो है समाधि स्थल है, तो हम इसके अंदर चल के देखेंगे। हमारे साथ पटले सर हैं, ये भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे साथ ही साथ। तो आइए अंदर चलते हैं। ये है समाधि स्थल, आइए अंदर। देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटी सी पालकी रखी हुई है। तो गाइज ये है श्यामदास जी महाराज की मूर्त, और आप देख रहे हैं। जरा मैं मेरे दोस्त से कहूंगा कि जरा कैमरा घुमा दे अंदर, आइए। काफी शानदार मंदिर है और मुझे लगता है कि रात में यहाँ पर और भी काफी शानदार मेला। जी हाँ, शिवरात्रि का मेला लगता है जैसे सर ने बताया हमें, जैसे लाइटिंग्स लगी है यहाँ पर, लाइटिंग्स वगैरह, तो रात में काफी अच्छा नजर। हमने मंदिर तो देख लिया, अभी हम देखेंगे बिरसा मुंडा जी के जो स्मारक है उनकी तरफ चलेंगे और आपको बिरसा मुंडा जी के स्मारक के दर्शन कराते हैं, आइए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई आश्रम भी है, तो ये आश्रम में हम आपको बाद में ले चलेंगे, पहले हम बिरसा मुंडा जी के स्मारक की ओर से आ जाते हैं घूमकर, आइए। दोस्तों ये है बिरसा मुंडा जी का स्मारक और उनके परम पूज्य भगवान बिरसा मुंडा जी है और उनके दैवत है, और यहाँ पर उन लोगों का रहवास है और इसलिए उनके भगवान है, इसलिए यहाँ पर बनाया जाना आना जाना। तो काफी जैसे आदिवासी जो समाज के लोग हैं उनकी काफी श्रद्धा है, उनके भगवान माने जाते हैं बिरसा मुंडा जी, और उनका एक स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। और इसी के सेम सामने जो हमने आपको मंदिर के दर्शन कराए हुए हैं, साइड में अटके हुए थे काफी, तो पानी वगैरह पी के हम अभी फ्रेश हो गए और आइए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, सॉरी आश्रम के दर्शन कराते हैं। तो ये आश्रम है और यहाँ पर एक मैम है, इनसे हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। मैम तुम्हें यह मंदिरा बदल का इन्फॉर्मेशन सांगा वाला, तुम चला हिरकला तुम्ही सेवक म्हणून आहात? हो आम्ही सेविका म्हणून। अच्छा, आणखी कोण राहतात तिथे सेवेसाठी? आम्ही ते एक बाई राहतो। काय नाव बाईचं? छायाबाई। छायाबाई या इकडे छायाबाई, आणि बाबाजी राहतात ते त्यांचं नाव बाबाजी धानु टोला पहाडी। आता मला सांगा, हे जे समाधी स्थळ आहे श्यामराव बाबाजीचं ब्रह्मलीन, हे म्हणजे तुम्ही यांचे का शिष्य आहात? आम्ही शिष्य आहोत। शिष्य आहात ते बाई मोठे बाजी लहान बाजी कडून मोठे बाजी। अच्छा, मग तुम्ही आश्रमची सेवा देखरेख तुम्ही करताय का सगळं? ना ते आहेत ना, हे जे आश्रमचे जे आहेत नाही का, हा हा, हे पुजारी उईके भाऊ। अच्छा, तेजरामजी उईके। तेजरामजी उईके धानु टोला। हा, ते सगळं तुम्ही देखरेख इथं करता? किती आता आमच्याकडे कसं आहे, आलेल्या जे भक्त आहेत त्यांची सेवा करणे, हे आता देखरेख करणे। आता ते बाई वरती जाते भोले बाबाकडे, वरत शंकरजीचे देऊळ आहे। शंकरजीचे देऊळ आहे। अच्छा अच्छा, आणि हे समाधी स्थळ आहे, हे गुरु माऊली आश्रम म्हणजे भक्त निवास। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक आहे। शिव मंदिर का प्रस्थान कर रहे, काफी ऊंचा है तो क्या है ना, थोड़े से थक जाएंगे, हमारा कैमरामैन भी थक जाएगा, तो कैमरामैन सर आइए चलते हैं, कोशिश करते हैं। हम आधा ऊपर तो चढ़ चुके हैं और जैसे आप देख रहे हैं कि इतनी सीढ़ियां चढ़नी बाकी है, हम चढ़ रहे हैं धीरे धीरे।
हाय गाइस, हम पहुंच चुके हैं इस मंदिर के पास और पहुंच कर देखा हमने तो एक सरप्राइज और मिला। वो देखिए, हमको शायद और थोड़ा ऊपर जाना पड़ सकता है। वो हमारे साहब दूसरे भाई, यहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर है। आइए यहाँ पर लाकर दिखाए। तो ये नजारा है दोस्तों। तो गाइज, ये विट्ठल रुक्माई मंदिर है। अंदर विट्ठल रुक्माई जी की मूर्त है और साइड में संत ज्ञानेश्वर जी की मूर्ति है। दोस्तों, हम यहाँ अभी इस रेलिंग पर बैठे हुए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा, नहीं गिरेंगे, हाथ पकड़ के बैठे हैं। हमारे मंदिर तो आपने ये सब देख लिए, हमारे पीछे काफी सुंदर नजारा है जो कि हमने आपको दिखाया था। तालाब, पेड़ पौधे, जो कि आपको हम जिस तालाब की सफर करके लाए हैं यहाँ पर, वो तालाब यहाँ पर है। उसके साइड में आप देख सकते हैं काफी घना जंगल है और यहाँ पर शाम को और सुबह जब ठंडी का मौसम होता है तब यहाँ पर आपको हिरण और काफी सारे जानवर देखने मिलेंगे। कभी कभी इधर शेर भी आते हैं। और इधर क्या है कि सुना है हमने संडे को टूरिस्ट लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं मंदिर के। तो अभी हम रिटर्न चलेंगे, अभी हम आपको लेके चलते हैं वनस्थली की ओर। चलिए।虽然我平时沉默不语，莫名喜欢下雨，可是见到你我不想要出去，你从天上降落。